गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज मैं आपको स्टोरी नंबर 3 बेमेल मित्रता को डिक्टेट करूंगी। क्या करूंगी बच्चों? आज मैं आपको स्टोरी नंबर 3 बेमेल मित्रता को डिक्टेट करूंगी। आप जानते हैं कि कल मैंने आपको ये स्टोरी समझाई थी और पढ़ाई थी, बताया था कि बेमेल मित्रता क्या होता है, मतलब बिना मेल की दोस्ती, ऐसी दोस्ती जिसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है, जो हमको भारी पड़ सकती है। तो हमें अपने जैसे लोगों से ही दोस्ती करनी चाहिए, अपने से अलग, अपने से बिना मेल खाने वाले लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, है ना? तो आज मैं आपको इस कहानी को डिक्टेट करूंगी और आपको क्या करना है, आपको ये कहानी जो मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ वो आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। बच्चों, आप बुक से चीटिंग करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं अपने शब्दों में ही पूरी स्टोरी को बोलूँगी। मैं बुक से स्टोरी नहीं बोल रही हूँ, मैं इस स्टोरी को अपने शब्दों में बोल रही हूँ, इसीलिए आप मेरे को सुनकर ही स्टोरी को लिखें, बुक से देखकर स्टोरी को ना लिखें। ओके, समझ आई मेरी बात? तो चलिए आप लोग जल्दी से अपनी पेंसिल, इरेजर और नोटबुक लेकर आ जाइए, फिर हम स्टोरी को लिखना शुरू कर देंगे। बच्चों, अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर करके स्टोरी को लिख सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, क्या था? एक चूहा और एक मेंढक था। एक चूहा और एक मेंढक था, दोनों में बड़ी गहरी मित्रता हो गई। एक चूहा और एक मेंढक था, दोनों में बड़ी गहरी मित्रता हो गई थी। एक दिन चूहा मेंढक से बोला, चलो भाई मेंढक, विदेश चलें। क्योंकि यहाँ तो पेट भर भोजन के भी लाले हैं, यहाँ तो हमें पेट भर भोजन भी नहीं मिलता है, इसीलिए क्या करें, चलो विदेश चलें। तो एक दिन चूहा मेंढक से बोला, चलो भाई मेंढक, विदेश चलें, यहाँ तो हमें पेट भर भोजन के भी लाले हैं। आगे देखते हैं मेंढक ने क्या जवाब दिया। बच्चों देखें कि मेंढक ने क्या जवाब दिया। चलिए, मेंढक ने जवाब दिया, तुमने बात तो बड़े पते की कही है, मतलब बड़े काम की कही है। एक काम करो, एक मजबूत मोटे धागे से अपनी और मेरी कमर बांध लो। तो मेंढक ने क्या कहा? मेंढक ने कहा, एक काम करो, एक मजबूत मोटे धागे से अपनी और मेरी कमर बांध लो, ऐसा होने से हम दोनों सदा एक साथ रहेंगे। ऐसा होने से क्या होगा कि हम दोनों हमेशा हमेशा एक साथ ही रहेंगे। तो फिर क्या हुआ बच्चों? चूहा को मेंढक की सलाह बहुत पसंद आई। इसीलिए वो तुरंत एक मजबूत मोटा धागा ढूंढ कर ले आया। और अपनी और मेंढक की कमर से धागा बांध कर वह बोला। फिर चूहे ने क्या किया? अपनी और मेंढक की कमर से धागा बांध कर
वह बोला। क्या बोला बच्चों, बताइए। चलो झटपट चलते हैं, अब जरा भी देर नहीं करते हैं। तो क्या हुआ बच्चों, चूहा एक मोटा और मजबूत धागा ढूंढ लाया और अपनी और मेंढक की कमर से धागा बांधकर बोला, चलो अब झटपट चलते हैं, जरा भी देर नहीं करते हैं। मेंढक ने फुदकते हुए कहा, मैं बढ़ता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे दौड़ते चले आओ। मैं बढ़ता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे दौड़ लगाते चले आओ। क्या कहा मेंढक ने बच्चों, मेंढक ने फुदकते हुए कहा, मैं आगे बढ़ता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे दौड़ लगाते चले आओ। इसी प्रकार दोनों दोस्त विदेश के लिए चल पड़े। रास्ते में एक नाला पड़ा। क्या हुआ, रास्ते में एक नाला पड़ा। अब रास्ते में नाला पड़ा तो मेंढक ने क्या किया, अब हम ये देखते हैं। तो रास्ते में एक नाला पड़ा, मेंढक एक छलांग मारकर पानी में जा गिरा। मेंढक ने नाले को देखकर उसमें छलांग लगा दी। अब चूहा मेंढक की कमर से बंधा हुआ था, इसीलिए चूहा भी खिंचकर पानी में जा गिरा। चूहा बोला, मेंढक भैया, मैं तो इसे पार न कर पाऊंगा। मेंढक जरा बिगड़कर बोला, मरे क्यों जाते हो, तैरते तैरते चले आओ ना। मेंढक जरा बिगड़कर गुस्से से बोला, मरे क्यों जाते हो, तैरते तैरते चले आओ ना। चूहे ने क्या कहा, मेंढक भैया, मुझे तो तैरना नहीं आता है। अब एक बार फिर से बोलती हूँ मैं, आप ध्यान से सुन लीजिए। मेंढक जरा बिगड़ कर बोला, मरे क्यों जाते हो, तैरते तैरते चले आओ ना, और तैरना नहीं जानते हो तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मेंढक जरा बिगड़ कर बोला, मरे क्यों जाते हो, तैरते तैरते चले आओ ना, अगर तैरना नहीं जानते हो तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें बड़ी सरलता से उस पार पहुंचा दूंगा। तो क्या हुआ बच्चों, देखते हैं। चूहा मेंढक की पीठ पर सवार हो गया। मेंढक को जहां शरारत सूझती वह पानी में एक डुबकी लगा लेता। चूहा बेचारा रो रो कर कहता, मान जाओ मेंढक भाई, मान जाओ, तनिक तो मित्रता निभाओ। यूं ना मेरे प्राणों के ग्राहक बनो, फिर क्या हुआ बच्चों, आगे देखते हैं। मेंढक और चूहे की खींचातानी से पानी में बड़ी हलचल मची हुई थी। उसी समय आकाश में उड़ती हुई एक चील ने उन्हें देखा। उसी समय
आकाश में उड़ती हुई एक चील ने उन्हें देखा। क्या हुआ? उसी समय आकाश में एक चील उड़ रही थी जिसने क्या देखा कि पानी में बहुत हलचल है और उस चील की निगाह उन दोनों पर पड़ गई। तो क्या हुआ बच्चों? उसी समय आकाश में उड़ती हुई एक चील ने उन्हें देखा। फिर आगे क्या हुआ देखते हैं। वह फौरन चूहे पर टूट पड़ी। वह चील फौरन चूहे पर टूट पड़ी। चूहे मेंढक की कमर से बंधा ही था। चूहा मेंढक की कमर से बंधा ही था। वह भी उसके साथ चील का शिकार हो गया। चूहे के साथ साथ मेंढक भी उस चील का शिकार हो गया। क्या हुआ बच्चों? कि चूहे के साथ साथ मेंढक भी चील का शिकार हो गया। तो बच्चों आपको कहानी कैसी लगी और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बताइए। अपनी प्रकृति वाले से ही मित्रता रखनी चाहिए, मतलब जैसे हम हैं हमें वैसे ही लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। अगर हम अपने से बिना मेल वाले व्यक्ति से दोस्ती करते हैं तो वो हमारे लिए कभी ना कभी खतरा साबित हो सकती है। तो इसीलिए हमें कैसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए? अपनी प्रकृति मतलब अपने जैसे लोगों से। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि अपनी प्रकृति वालों से ही मित्रता रखनी चाहिए। तो बच्चों आपको ये कहानी कैसी लगी बताइए मुझे, अच्छी लगी ना? तो आज आपको क्या करना है होमवर्क में, आज आपको मैं जो कहानी बोल रही हूँ आपको उसको सुन सुनकर अपनी नोटबुक में इमला के तौर पर लिखना है। मैंने आपको ये स्टोरी डिक्टेट करी है और आपको ये स्टोरी क्या करनी है, अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखनी है। तो आज का आपका होमवर्क क्या है, आज आपको बेमेल मित्रता स्टोरी अपनी कहानी में लिख अपनी नोटबुक में लिखनी है। ओके, क्या करना है आपको, यह कहानी अपनी नोटबुक पर लिखनी है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। चलिए गुड बाय।